हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग यानी कि टैक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के केस में या किसी भी वायरल डिजीज़ के केस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जल्दी ही मिलती रहें। तो किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में आपको बचने के लिए या उस के खतरे को टालने के लिए क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पॉइंट्स थ्रू आउट इनको फॉलो करना है तो एक कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं शुरू करूं डोंट से, आपको क्या नहीं करना किसी भी वायरल इन्फेक्शन जब आपकी कम्युनिटी में या आपके स्टेट में या सिटी में फैला हुआ है। तो नंबर वन डोंट से शुरू करते हैं, अवॉइड क्राउडी प्लेसेस। तो जितने भी क्राउडी प्लेसेस हैं आप वहाँ पे जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, बेसिकली वायरल इन्फेक्शंस, ये ज़्यादातर होते हैं एयर के साथ ट्रांसमिट। क्योंकि जब भी आप कभी किसी क्राउडी प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा, क्राउड से आप किसी ना किसी इंडिविजुअल से बात करोगे, किसी पर्सन से बात करोगे, उस टाइम वो कफ़ कर सकता है, स्नीज कर सकता है। तो ये बेसिकली जितने भी कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं ये थ्रू एयर जो मीडियम अपना यूज़ करते हैं। इस मेथड को हम ड्रॉपलेट मेथड कह देते हैं। जब भी कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो छोटे छोटे पार्टिकल जो सलाइवा के होते हैं वो एयर में काफ़ी देर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो ये अगर सलाइवा के ड्रॉपलेट्स आप इनहेल कर लेते हो थ्रू एयर अपने अंदर, तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है, आप उस वायरस या उस पर्टिकुलर डिजीज़ के शिकार हो सकते हो। तो सबसे पहले यही मेरा सजेशन है डोंट्स में, अवॉइड क्राउडी प्लेसेस। हाँ, लेकिन जो लोग जॉब्स पे जाते हैं उनको डेली ट्रेवल करना पड़ता है बसेस वगैरह में, तो वो जब सीवियर केसेस हो जाएं, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप एक मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मास्क आपके पास नहीं है तो आप एक नॉर्मल हैंकी भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस को कवर कर सकते हैं। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ वो आपका बचाव करेगा ही करेगा। नंबर टू के डोंट्स की मैं अगर बात करूं तो अवॉइड हैंडशेक्स। आपको पता है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है या कोई भी वायरस फैला है, तो इस टाइम पे आप हैंडशेक्स को अवॉइड कीजिए। हमारे इंडिया में बहुत अच्छा हमारा ट्रेडिशन है जिसमें नमस्ते है, आप अगर हाथ मिलाना ही चाहते हो तो किसी और से क्यों मिलाना, अपने ही दूसरे हाथ से मिलाइए, नमस्ते कीजिए, सत श्री अकाल कीजिए। बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा जब 10 लोग आपको सत श्री अकाल या आपको नमस्ते कर रहे होंगे। अंग्रेज चले गए, एक तो छोड़ गए सॉरी और दूसरा छोड़ गए हैंडशेक हेलो, तो अपने ट्रेडिशन में वापस आए तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन स्पेशली अगर आपको हैंडशेक करना ही है तो अवॉइड दीज हैंडशेक्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शियस पीरियड। तीसरा डोंट जो है वो है अवॉइड शेयरिंग सेल फोन्स। आप किसी और का सेल फोन यूज़ करते हो सकता है उसके सेल फोन पे बहुत सारे वायरसेस पड़े हों। स्टडीज़ का कहना है कि जो कमोड हम यूज़ करते हैं टॉयलेट में, उससे भी ज़्यादा वायरसेस बैक्टीरिया आपके सेलफोन के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि उस कमोड को हम डेली साफ़ करवाते हैं या खुद भी करते हैं, लेकिन इस सेलफोन को शायद ही आप महीने में एक बार या दो बार साफ़ करते हो। कुछ मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे भी होंगे, शायद ही किसी ने स्क्रीन को छोड़कर सारे फ़ोन को कभी डिसइनफेक्ट किया होगा। स्पेशली इन दिनों में आप शाम को जब भी घर पहुंचते हो तो आप किसी भी डिसइनफेक्टेंट की हेल्प से या अल्कोहल से या स्पिरिट की हेल्प से आप अपने फ़ोन को डिसइनफेक्ट कर लीजिए। कॉटन की हेल्प से आप उसको एक तरह अच्छी तरह से क्लीन कर लें, ताकि किसी तरह का उसके ऊपर बैक्टीरिया या वायरस ना बचे। ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे हमारे पास कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। तो जैसे ही आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसके बाद इमीडिएटली आप खाने से पहले अपने हैंड वॉश ज़रूर कीजिए, किसी भी डिसइनफेक्टेंट सोप से आप मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से फ्रॉथ बना के साफ कीजिए। इसके बाद जो डॉट आ रहा है वो है, जैसे ही हम ऑफिस से घर जाते हैं, अपने काम ख़त्म करके घर पहुंचते हैं, अगर हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं तो हम जाते ही उसको उठाते हैं, प्यार करते हैं, हग करते हैं, किसिस करते हैं,
तो ये भी कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शियस पीरियड चल रहा है, आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हो, पता नहीं किस इंडिविजुअल से मिले हो, आपको हो सकता है पेशेंट से भी बात करके आए हो, मिलके आए हो, तो यूजली क्या होता है कि ये जो वायरसेस हैं आपके कपड़ों पे भी रह जाते हैं। अगर आप बच्चे को उठाते हो, उसको किस करते हो, तो प्लीज़ ये चुम्मा चाटी भी कुछ दिनों के लिए रोकिए जब तक ये इन्फेक्शियस पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद जो डॉन्ट आ रहा है, अगर आप बस में ट्रैवल नहीं करते, ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे, अपनी पर्सनल कार में जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बार हम किसी ना किसी फ्रेंड को या फ्रेंड के फ्रेंड को आगे लिफ्ट दे देते हैं, तो इस टाइम पीरियड पे भी ये ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कोई पेशेंट कहाँ से आ जाए, ये वायरस कहाँ से फैल जाए। तो स्पेशली आप किसी अनजान आदमी को या आपको कोई लगता है कि ये एक सस्पेक्टेड आदमी है जिसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वायरल सिम्टम्स वो दिखा रहा है, तो आप ऐसे इंसान को अवॉइड कीजिए कि अपनी कार में लिफ्ट ना दीजिए। क्योंकि एक कार में अगर सपोज़ 5 लोग बैठे हैं, तो एक बंदा अगर स्नीज करता है या कफ करता है, तो उसमें सारे के सारे 100% इन्फेक्ट होंगे। क्योंकि कार के केस में हम एसी ऑन रहता है, वही एयर बार बार सर्कुलेट होती है, विंडोज़ क्लोज्ड होती हैं, तो इस केस में कोई भी इंसान पांचों के पांचों जो है, जितने भी इंडिविजुअल कार में बैठे हैं, सारे इन्फेक्टेड होने के 100% चांस रखते हैं। उसके बाद लास्ट डॉन्ट मैं आपको बताऊंगा, आपने बहुत सारी प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे, इतने सारे जो मैंने डॉन्ट्स आपको बताए हैं, अगर आपने सारे के सारे फॉलो करते भी हो, तो भी आपने शायद सोचा भी ना होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम घर पे पहुंचते हैं, हम नहा धो के बिल्कुल क्लीन होकर हाइजीनिक कंडीशंस में बैठे हैं, तो सडनली कोई फ्रेंड आता है या आपकी वाइफ आपसे बोलती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, तो आप अपना वॉलेट निकालते हैं और फटाफट पैसे निकाल कर दे देते हैं, उसके बाद अपने हाथों को धोते भी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ये पैसे बहुत ही साफ़ हैं, शायद ही आपने कभी सोचा भी होगा, लेकिन जी हाँ, पैसों के ऊपर जो आप करेंसी नोट्स यूज़ करते हो, इस पे भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं। फ़ोन तो शायद किसी ना किसी ने कभी ना कभी साफ़ किया होगा, लेकिन आपने देखा है किसी को नोट धोते हुए किसी साबुन के साथ? तो जी हाँ, करेंसी नोट्स के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, हाथों हाथ ये बैक्टीरिया रोज़ नए नए हाथों से, नए नए लोगों से इन नोट्स पे चढ़ते हैं। तो आप सबसे पहला इन दिनों में अपना वॉलेट अपने बेडरूम में ना ही लेके जाएं, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं स्पेशली बाहर ही रख दें, कहीं सेफ जगह पे रख दें। करेंसी नोट्स को आप अपने कमरों के अंदर ना ही लेके आएं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अब मैं बात करता हूँ डूज़ की, क्या क्या आपने करना है। एक डू मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आप काम कर सकते हो, वो मैंने डॉन्ट्स में ही आपको बता दिया कि यूज़ अ मास्क। अगर आप मास्क यूज़ करते हो या हैंकी भी यूज़ कर सकते हो, वो पहले ऐसे काम में आ जाएगा जो आपने करना है। दूसरा काम, इन दिनों में स्पेशली जब इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, फैल रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि यू हैव टू मेक योर इम्यूनिटी वेरी स्ट्रॉन्ग। इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, आपको विटामिन सी के जितने भी सोर्सेज है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस आप पी सकते हो। सबसे आसान तरीका है, आप आंवला कैंडीज़, ऐसी मार्केट में कैंडीज़ रेडीमेड अवेलेबल होती हैं, स्वीट एंड सॉल्टी दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी तरह की ये कैंडी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए, ताकि ये इम्यूनिटी आपकी डेवलप कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी। इसके अलावा आप बच्चों को और ख़ुद भी च्यवनप्राश भी ज़रूर खाएं, ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। इन प्रोडक्ट से आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बेटर होगी और आपको पावर मिलेगी इन बैक्टीरिया और इन वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने में। तो लास्ट पे जो डूज है, जो आपने काम करना है, आप बाहर से आ रहे हो, अपने ऑफिस से आ रहे हो, रास्ते से आ रहे हो, तो बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी बस में जाते हैं तो कोई स्नीज करता है, कफ करता है, तो जो वायरसेस बैक्टीरिया है वो आपके कपड़ों पे भी आते हैं। अगर मैं कोरोना वायरस की ही बात करूँ, तो इसमें भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं कि ये वायरस है आपके कपड़ों पे भी, ये 4 घंटे के आसपास ज़िंदा रहता है, आपके हाथों पे ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2 घंटे तक ज़िंदा रहता है, मतलब ये एक्टिव रहता है, इसके पास कैपेसिटी है, टेंडेंसी है कि ये किसी को इन्फेक्ट कर सकता है।
सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, आप अपने जो आपने सुबह से कपड़े पहने हैं उन्हें चेंज करें और धोने के लिए डाल दें। उसके बाद आप अच्छे से फ्रेश होके ही अपने रूम्स में एंटर करें तो सबसे अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आज आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे थे जिसको ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आप, लेकिन इसको आप अगर डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हो तो सबसे बढ़िया होगा। ये काम क्या है, वो ये है, ऐसे कुछ स्टीमर्स आपको मार्केट में 150 या 200 के आसपास, बहुत ही सस्ते ये स्टीमर्स होते हैं, आपको अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये स्टीमर्स बहुत ही एफिशिएंट हैं, आप घर आने के बाद मिनिमम 5 मिनट्स आपको इन स्टीमर से स्टीम लेना है। आप इन्फेक्टेड लग रहे हो या नहीं लग रहे, ये बहुत ही एक कारगर मेथड है। मान लीजिए अगर वायरस आपकी बॉडी में सेम डे एंटर करता भी है तो दिस इज़ 100% श्योर कि आप स्टीम करने के बाद उस वायरस को किल कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा है कि ये वायरसेस जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे जल्दी डीनेचर हो जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं। ये जो स्टीम होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 65 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। जब हम इसे इनहेल करते हैं तब भी इसका टेम्परेचर 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप कंटिन्यूसली 5 मिनट्स के लिए स्टीम लेते हैं तो यहाँ पे 90% चांसेस है कि ये वायरसेस उसी दिन सेम डे आपकी बॉडी से इनएक्टिव हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम इतनी देर में अपना काम कर देगा और आप इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी, ज़रूरी नहीं कोरोना वायरस, बहुत सारे वायरसेस या अदर इन्फेक्शन से भी बच सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि आपके चाहने वाले अपने फ्रेंड्स को, सबको इसके बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।